नारियल को छीलना या तोड़ना हर किसी इंसान के लिए कठिन होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से नारियल को छील या तोड़ लेते हैं। लेकिन यदि आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो आसानी से चंद मिनटों में एक साथ सैकड़ों नारियल तोड़ देता है, तो निश्चित तौर पर आप हैरान हो जाएंगे। और ये कारनामा करने वाले शख्स का नाम है धर्मेंद्र राजभर। धर्मेंद्र ये वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कोई इन्हें राजभर समाज का शेर कहता है, तो कोई उत्तर प्रदेश की शान। शरीर के सबसे महत्वपूर्ण वो नाजुक अंग सिर से ये शख्स बड़े आसानी से कठोर नारियल फोड़ लेता है, वो भी एक नहीं अनगिनत। और सिर्फ सिर ही नहीं बल्कि अपने फौलादी हाथों से भी धर्मेंद्र कुछ ही मिनटों में सैकड़ों नारियल फोड़ने के कारनामे दिखा चुका है, जिसके चलते आज धर्मेंद्र राजभर की ख्याति न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में फैल चुकी है। यही नहीं, धर्मेंद्र राजभर रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट व अन्य कई रियलिटी शो के माध्यम से न कि सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखा चुके हैं। उसी प्रकार धर्मेंद्र राजभर पालघर जिले के नालासोपारा शहर स्थित क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज के कार्यालय में पहुंचे, जहां धर्मेंद्र राजभर ने अपने सिर से नारियल फोड़कर अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। वहीं क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज परिवार द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अनेकों शुभकामनाएं दी गई। सभी को हर हर बात हो, जय श्री राम। और मैं धर्मेंद्र राजभर यूपी बारह से गए, सभी मुंबई की धरती पे नालासोपारा में। और हमें भी मैं अपने पत्रकार जी हमारे मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को, और उनको मैं नए पानी पिलाने वाला हूँ। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज है, तुम्हें को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया, और मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिल जाए। मैं चाहता हूँ भारत को छोड़कर चाइना, पाकिस्तान, जर्मनी को ओपन चैलेंजर किसी भाई मतलब में तो मुकाबला और सामना करे। 500,000 1500 नारियल तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो पूरे भारतवासियों के नाम होगा। हम चाहते हैं बस आप लोग आशीर्वाद प्यार से हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।